All praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the sustainer and cherisher of this world. Salutation and salam on Prophet Muhammad, peace be upon him. Allahumma salli ala sayyidina. Respected chief guest, my friend, respected Hyderabad Rahman Sahab, other guests, dear students, teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me a great pleasure to share dice with such dignitaries and to witness such a great occasion here. And what Ayaz Rahman Sahab has narrated me is about the responsibilities that is given to you as a team leaders and other school functions. There is a hadith Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, said, "Kullukum ra'iyya wa kullukum mas'ul 'an ra'iyyatih." The meaning of it is, each one of you is responsible for his subordinates. The beauty of every religion has certain principles, but the beauty of our religion is the most and foremost thing is it makes every person responsible for his actions. He has to take responsibility for his actions and he has to take care of his duties. So, this is not just a school. This is not just an institution where you are going to become the class leader, the supervisor or the team leader, whatever it may be. But actually, it is a training for you for your future responsibilities. And once you are able to handle this, once you are experienced with this, you will progress in your life. Basically, all of us are similar. There is no big or small, minor or major. But the discipline that we need to maintain in our institutions and in our classroom, that trains us to make the discipline at our home, in the society, country and the world. Aaj is mauke pe main mubarakbad dena chahta hoon आप तमाम स्टूडेंट्स को कि खास तौर पे इस स्कूल में मैं पिछले साल से आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ का जो डिसिप्लिन है आपकी, चूँकि मैं एचआर ट्रेनर हूँ, आई कैन रीड द बॉडी लैंग्वेज, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आप स्कूल में और ये बहुत अच्छी साइन, बहुत अच्छा। अब सिर्फ आपको ये करना है कि आपने अपने इस पॉजिटिव एनर्जीज को एक्शन में तब्दील करना है। बात ये नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ से जाकर आपको बड़ी जिम्मेदारियाँ संभालना है, आपको बहुत काम करना है। आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, बल्कि आप इस सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है और आप अपने वजूद के जरिए से बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां इस सोसाइटी और माशरे के अंदर ला सकते हैं। आज के लीडर्स को मैं मुबारकबाद दूंगा जिनका ऐलान होगा, लेकिन एक बात जरूर बताना हूं, लीडरशिप का जो इस्लामिक कंसेप्ट है
वो ये है कि लीडर सबसे ज्यादा काम करता है. हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबी बन रही थी तो सारे सहाबा ऑल द कंपेनियंस वर जस्ट हेल्पिंग हिम आउट बाय ब्रिंगिंग ब्रिक्स एंड स्टोन्स एंड मड एंड एवरीथिंग. उस वक्त प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे भी कुछ काम दो, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ. तो कहा कि वो प्रॉफिट यू आर ऑन लीडर यू डोंट हैव टू. बट द प्रॉफिट सेड नाउ आई एम द लीडर, दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू दैट मैं भी काम करूँगा, मुझे कुछ काम दो. लीडर जब काम करेगा तो उसको देखकर आपके सबऑर्डिनेट्स भी एक्टिव हो जाएंगे. मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स. लीडरशिप मैनेजर कहता है कि चलो ये काम करो और लीडर कहता है कि चलो हम ये काम करते हैं. दिस इज द डिफरेंस. सेकेंड थिंग इज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आपकी पोजिशन लोगों को डराने धमकाने के लिए वो आपके लिए नहीं है बल्कि इट्स अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप रिस्पॉन्सिबल हैं. आप किस तरह से हैंडल करते हैं अपनी पोजीशन को इससे जाहिर होता है कि आपके अंदर क्या क्या कैपेसिटी है. सबसे अच्छा स्टाइल ये है कि हम मोहब्बत से पेश आए अपने क्लास फेलोज के साथ. आपके क्लास फेलोज आपसे अलग नहीं है, वो आप ही का हिस्सा है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने की वजह से आप सुपीरियर नहीं हो गए बल्कि आपको ज्यादा जिम्मेदार बनाया गया है. तो आपका रवैया अपने क्लास फेलोज के साथ ज्यादा मोहब्बत वाला होना चाहिए. तीसरी चीज सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूं, शरारत बच्चों की एक फितरत है, इससे कोई नहीं रोक सकता. बीइंग नॉटी या इट्स अ पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड. व्हाट आई एम सेइंग इज ये शरारत बदतमीजी में तब्दील नहीं होनी चाहिए. ये शरारत बदतमीजी में तब्दील नहीं होनी चाहिए. हमारी शरारत ऐसे ना हो कि किसी का दिल दुखे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी क्लास में कोई लड़का या लड़की गरीब है तो हमारा तकाजा यह है कि हम उसकी गुर्बत का उसको एहसास नहीं होने दें. वी शुड नॉट लेट देम फील दैट दे आर पुअर और डाउनट्रोडन. रादर आप उनको इनकरेज करें कि ही और शी इज आल्सो इक्वल. इसी तरह से फिजिकल फीचर्स में कभी ये होता है कि कोई स्टूडेंट को कोई ऐब होता है, लंगड़े होते हैं, आँख में कोई नक्स होता है, या फिर जैसे कि हमारा हमारी सोसाइटी तो एक रेसिस्ट सोसाइटी है, गोरे लोगों को बहुत पसंद किया जाता है. यहाँ ये नहीं होना चाहिए कि वो काला है या गोरा है या नक्शा है या चपटा है. ना, सारी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, सबको अल्लाह ने बनाया है. आपकी जबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए कि आपके क्लास में रुक नहीं. इसके लिए जो चीज़ आपको रोकेगी वो आपकी तरबियत है, अल्लाह की तरबियत है. गॉड फियरिंग पीपल अल्लाह से डरने वाले बच्चे कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे. आखिरी चीज मैं आपके सामने कह रहा हूं, अपने अंदर एहसास से कमतरी पैदा होने न दीजिए. नो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. हम बहुत छोटे हैं या मेरे पास सलाहियतें नहीं है या somebody else is far better than me. Don't compare yourselves to others because God Almighty has made you unique. Look at your fingerprints. Does it match with someone else's fingerprints? No. Look at your iris. You are unique creation of God and God creations never goes in vain. बेकार नहीं बनाता अल्लाह सुब्हान अल्लाह. आप अपनी जगह बहुत परफेक्ट हैं. आपका साथी या आपका दोस्त या आपकी सोसाइटी में रहने वाला किसी एक फील्ड में आपसे आगे है तो किसी दूसरे फील्ड में आप आगे हैं उससे. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी आने नहीं दीजिए. कॉन्फिडेंस के साथ रहिए,
I'm the best of creation. Aur phir apne ustad ka adab, apne teachers ka adab, maa baap duniya mein aapko leke aaye hain. Lekin aapke teachers wo hain jo aapko banate hain, aapko taiyar karte hain future ke liye. Himmat se rahiye, Allah pe bharosa rakhiye, buzurgon ka adab kijiye. Aur phir yahan se padh ke jaane ke baad jis society ne aapko padhaya hai, aapke parents bhi society ka hissa hain, aapko society ko wapis dena. Jis society ne aapko take care kiya hai, us society ka aap khayal rakhiye, uske kamzor tabqat ki madad kijiye. Abhi main khareed sir se bata raha tha ki aligarh se kareeb ek school hai, mujhe jaane ka mauka mila. शानदार स्कूल है और वहाँ पर कोई फीस नहीं है. उन्होंने कहा कि हम फीस नहीं लेते बच्चों से. तो मैं परेशान हुआ, मैंने कहा कि आप स्कूल चलाते कैसे. तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट में हम लोगों ने स्कूल चलाया, लेकिन हर बच्चे से वहाँ प्रॉमिस किया गया था कि तुम जब बड़े बनोगे तो फिर इस स्कूल को चलाओगे, यहाँ के बच्चों को पढ़ाओगे. तो कह रहे थे हमारे पास 1000 से ज़्यादा पोटेंशियल डोनर्स हैं, बाज़ों का डोनेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उसे दूसरे स्कूलों को दे देंगे. Child is father of a man. आप हमारे मुस्तकबिल की उम्मीद है. आज अपने दिल में वादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जब मैं बड़ा बनूंगा या बनूंगी कुछ बनूंगा, तो अपने जरिए से सोसाइटी के कमजोर कम से कम 2 बच्चों को मैं अपने खर्चे से पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगा. अपने दिल में वादा करिए. हिम्मत से रहिए, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बतें बांटिए, मिलजुल के रहिए. मज़हब की बुनियाद पे, कल्चर की बुनियाद पे, रीजन की बुनियाद पे नफ़रतें ख़त्म कीजिए. हमारा दीन तो नफ़रतें ख़त्म करने के लिए आया है. मुसलमान का मतलब ही एक ये होता है कि जिस पे आके, जिसके पास आके लोग अमन हासिल करें. आखिर में आपको मैं एक पैगाम दे रहा हूँ सारे इस तकरीर के बाद. ये शेर मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ. शायर कहता है कि दीवार पे तस्वीर सजा देती है दुनिया, दीवार पे तस्वीर सजा देती है दुनिया. तस्वीरें लगी होती है ना ऑफिस में. जो कुछ नहीं होता है बना देती है दुनिया. आवाज उभरती हुई उठती हुई रखना, आवाज उभरती हुई उठती हुई रखना कमजोर सदाओं को दबा देती है दुनिया. शुक्रिया सदाओं का.